आज पीरखो मंदिर में महंत जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है यहाँ पे, आज क्योंकि कल 10 तारीख है, कल 10 तारीख को हमारी इनॉग्रेशन है मेला की, जो शाम को 4 बजे रहेगी। आज सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे मेडिकल का हो, पुलिस का हो, या हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हो, ट्रैफिक का हो, CAPD का हो, सब डिपार्टमेंट्स आज यहाँ उपस्थित थे। और सारे जो अरेंजमेंट्स, जो पहले हमारे मंदिर की अध्यक्षता में जो कमेटी में मीटिंग हुई थी हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, जो भी प्लान्स, जो भी डायरेक्शंस हमारे दी गई थी कंसर्न अथॉरिटीज़ के माध्यम से, आज उसको कंप्लीट था, आज फाइनल टच दिया गया है। और यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु इस शिवरात्रि के मेले का आनंद लेने या भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आए, वो उनको किसी समस्या से रूबरू ना होना पड़े, ऐसे ही हमारा प्रयास है। और सारे कंसर्न डिपार्टमेंट, इवन यहाँ के जो हमारे वार्ड नंबर 3 के जो हमारे कॉरपोरेटर है, जिसमें पीरखो मंदिर की यहाँ रहता है, उनकी तरफ से पिछले 1 महीने से एफर्ट चल रहा है कि पीरखो का मेला जो हर साल यहाँ पे एक श्रद्धापूर्वक लगता है, उसकी गरिमा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक ये धार्मिक मेला है, उस मेले को अच्छे ढंग से करने के लिए, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए वो ये महसूस करें कि हम कहीं शिव जी के दरबार में आए हुए हैं, यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं है। जैसे अगर हम शुरुआत करें कि जैसे मेन रोड से यहाँ एंट्री है, तो जो रोड है उस रोड का यहाँ पर डिपार्टमेंट कंसर्न, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने सफाई अभियान शुरू कर दिया है। ब्रांडिंग है इसके लिए कि बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू हम, जैसे हमने सारे लोगों को इसके लिए आह्वान किया हुआ है, नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड चली गई है, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, डेली एक्सप्रेस लोकल न्यूज़पेपर, उसके अलावा FM पर 3 जो बड़े FM चैनल है यहाँ पर, बिग FM, रेडियो मिर्ची और टॉप FM, उन तीनों पर पिछले 1 हफ्ते से कंपेन चल रही है कि हाँ जी 10, 11, 12 और 13 तारीख को शिवरात्रि का फेस्टिवल 3 जगहों पर मनाया जा रहा है। मेन तो यहाँ पर शिवखोड़ी पीरखो जम्मू में है, उसके अलावा शिवखोड़ी रियासी में, और तीसरा परमंडल में है। परमंडल में 1 दिन का है इस बार। जैसे लास्ट एज़ पर पास प्रैक्टिस तो हम 2 जगह पर प्रोग्राम करते थे डिपार्टमेंट, लेकिन इस बार एक नया इनिशिएटिव डिपार्टमेंट लिया हुआ है, परमंडल में भी 1 दिन का शिवरात्रि का फेस्टिवल किया गया हुआ है। यहाँ पर जैसे 3 दिन यहाँ कल्चरल प्रोग्राम चलेंगे, शिव आराधना यहाँ पर होगी, पूजा पाठ वगैरह होगा, जो हमारे बाबा लोग हैं वो यहाँ पर मंत्रोच्चारण से इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब से बात हुई थी और यहाँ की समिति, उन्होंने कहा कि ड्यूकाम साहब यहाँ पर चीफ गेस्ट आए हुए हैं, आएंगे। तो सर, तो नया क्या रहेगा सर इस बार कुछ? हाँ, नया यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो जो लास्ट ईयर थी वही हैं। नया इसमें सिर्फ हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम में हम खाली रिलीजन को ही नहीं फोकस करें, हम सारे जम्मू कश्मीर के कल्चर को भी यहाँ पर हम पेश करें। जिस तरह से कोविड भी चल रहा है समय, तो उनको क्या हिदायत है पब्लिक को जो कोविड के रिलेटेड? तो वैसे कोविड का सारे प्रोटोकॉल जो हैं तो पूरे हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और लोगों के लिए यहाँ पर हम एक ये सिस्टम रखेंगे जहाँ से हम लोगों को लगातार ये अनाउंस करते रहेंगे कि हाँ जी इकट्ठे एक जगह पर खड़े ना हों। जो यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगने हैं उनके लिए पहले से इंस्ट्रक्शन चली गई कि वो पूरी तरह से सेफ्टी मेजर्स, हाइजीन जो भी है वो सारा फॉलो करें। यहाँ पर जैसे अम्यूज़मेंट राइड है, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कन्वेड है कि हाँ जी एक तो लोगों का, बच्चों का रश इकट्ठा ना होने दें, बारी बारी से थोड़ा थोड़ा, जैसे स्पेस जिस झूले पर 2 बच्चे बैठ सकते हैं उस पर 1 ही बच्चा बैठाएँ, ताकि इसका हम कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करें, और ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से बनाएं, ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना आए।